क्या लाई हो मिनाहिल? फ्रूट्स लाई हो मम्मा के लिए? थैंक यू। टेस्टी, वेरी टेस्टी, थैंक यू। यस, ये सब कौन उठाएगा मिनाहिल? लेकिन तुम तो उठाती हो ही नहीं, सिर्फ बोलती हो हम। व्हाट इज दिस? काऊ। काऊ, काऊ कैसे करता है बताओ? वेयर इज हॉर्स मिनाहिल? हॉर्स, वेयर आर यू हॉर्स? लुक देयर। व्हाट इज दिस मिनाहिल? डोंकी कैसे करते है? कैसे, इधर बताओ। नीन नीन, मामा को इंजेक्शन दोगी? हाँ। दो मामा को दो। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब, उम्मीद करती कि आप सब ठीक होंगे। तो देखिए, आज मैं चाची घर पे नहीं गई हूँ। मैंने चाची को बोला था आप आइएगा, हम लोग मार्केट जाएंगे। तो चाची अभी आई है और 7:30 बज रहे हैं, तो अभी हम लोग मार्केट जा रहे हैं ना मिनाई? मुझे मार्केट जाना है अभी आपको। और चाची मिनाई के ये लेकर आई है समोसा, लेकिन वो खा नहीं रही है, पूरा गंदा करी। खाना है, मार्केट जाना है। और फ्रेंड्स, हम लोग घर से बाहर निकल गए है और देखिए इधर इस तरफ का भी पूरा रोड सजा हुआ है। तो मुझे थोड़ी सी सब्जी लेनी थी, तो इसलिए चाची के साथ जा रही हूँ। क्या मिनाहिल? वो चीज़ है। ओके फ्रेंड्स, कल है 12 रबी अव्वल, तो कल तो बहुत भीड़ रहेगी रोड में। और देखिए अभी भी ये सब लगा हुआ है। ये मेरे घर के पास एक रेस्टोरेंट है, फूड इन। पहले मैं यहाँ से बहुत खाती थी, बहुत, लेकिन अब नहीं खाती हूँ। और एक और भी है यहाँ पे बहुत फेमस, अजवा। ये भी न्यू खुला है ना? सारा मिठाई सब है ना जी, चॉकलेट चिप्स मिठाई सब। ये मेरे घर के पास ही है बस डिपो, जहाँ भी जाना होता है यहाँ से बस लेकर आराम से जा सकते हैं हम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपने लिए ककड़ी ले रही हूँ, खीरा, क्योंकि ये पेट के लिए भी बहुत अच्छा है ठंडा, और मुझे खीरा बहुत पसंद है। देखिए सब्जी हरी हरी, और मैंने बैगन भी लिया है, बैगन मुझे खाने का बहुत मन था, तो अभी मैं ये ले रही हूँ। दिखाओ हाथ में। और फ्रेंड्स, मिनाहिल मेरा हेल्प करिए, मिनाहिल के हाथ में भी सब्जी है। चलो एप्पल लोगी? चलो फ्रेंड्स, देखिए मैं सब्जी लेकर आ गई हूँ। ये मैंने बैगन लिया है, और ये है ककड़ी खीरा, और ये है कुंदरू जिसे मुंबई में टेंडली कहते हैं, ये करेला है, और ये एक और बैगन है। मुझे बहुत ज्यादा मन कर रहा था बैगन खाने का, और इसमें बीन्स है, तो ये मैं बीन्स लेकर आई हूँ। और कैप्सिकम है, ये सब मैं पास्ता वगैरह बनाती तो उसमें खाती हूँ। और ये अंडे है, एक कैरेट अंडा लेकर आई हूँ मैं। और मिनाहिल की फ्रेंड्स भी आई है। तो फ्रेंड, चाची चली गई थी, मैंने मिनाहिल को खाना खिला दिया है, और खाना खिला दिया है, काफी टाइम हो गया, और अब मैं उसे सुला रही हूँ। फ्रेंड्स, टाइम कितना, और 1 बजने वाले है, तो बस मिनाहिल को मैं सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, ये सो जाएगी। आज मैंने ज्यादा कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि कुछ शूट करने को था ही नहीं। डेली मैं क्या आप लोगों को दिखाऊं एक ही चीज, और इसलिए आज मैंने शूट नहीं किया। लेकिन आज मैं आपसे एक फेस पैक शेयर करने वाली हूँ, वो बहुत ही अच्छा है, तो मैं इसे सुला कर आपको बताती हूँ कि वो मैं कैसे बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मिनाहिल को मैंने सुला दिया है, मिनाहिल सो गई है। और आज मैंने इसलिए ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि क्या दिखाऊं, आप लोग भी बोर हो जाएंगे, और डेली एक ही चीज़ दिखाती हूँ। और वैसे अभी मैं और मिनाहिल घर पे अकेली रहती हूँ, इसलिए डेली घर का जो मेरा रूटीन होता है मॉर्निंग से नाइट का, और फिर चाची के घर पे जाती हूँ, तो वो सब दिखाती हूँ। क्योंकि मैं यहाँ पे अकेली रहती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा कहीं मार्केट वगैरह, मॉल वगैरह जा भी नहीं सकती हूँ मिनाहिल को अकेले लेकर। मिनाहिल के पापा यहाँ पर नहीं है, वो आने वाले हैं, कुछ दिनों में आ जाएंगे, तो फिर हमारा बाहर का जाना होता है, तो वो सब आपको दिखाती हूँ, आप सबके साथ शेयर करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपसे आज एक फेस पैक का रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ कि वो मैं कैसे बनाती हूँ। बहुत ही इजी है, कर्ड और बेसन, टर्मरिक और हनी से बनेगा, और
बहुत अच्छा आपका फेस जो होता है ना क्लीन हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, तो हमारा फेस उससे बहुत ब्राइटन हो जाएगा और ये सब जो दाग धब्बे है वो नहीं होंगे। तो योगर्ट मैं हमेशा अपने पैक में शामिल करती हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छा होता है फेस के लिए। वो हमारे फेस से डार्क स्पॉट्स को हटाता है, एक्स्ट्रा ऑयल को हटाता है, और बेसन तो आप जानते ही है वो भी कितना अच्छा होता है, टर्मरिक भी होता है जो हमारे स्पॉट्स को हटाता है, और हनी भी। तो आज वो फेस पैक मैं बना रही हूँ और कैसे यूज़ करते हो उसे मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो चलिए हम बनाते हैं फेस पैक। तो देखिए फ्रेंड्स, इस फेस पैक के लिए मैंने इसमें कर्ड लिया है, देख सकते हैं आप, ये कर्ड है, और इसमें मैं अब ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा बेसन यानी कि ग्राम फ्लोर, तो ये डाल रही हूँ इसमें। और इसके बाद फिर मैं इसमें थोड़ा सा टर्मरिक ऐड करूंगी। ये देखिए, ये बहुत ही इजी है, सबको आता है बनाने, बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो वो भी ये यूज़ कीजिएगा। तो मैं इसका अच्छे से फाइन पेस्ट बना लेती हूँ, और इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करती हूँ, ये हनी। तो ये हनी मैंने ऐड किया है, अब इसका मैं फाइन पेस्ट बना लेती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए ये पेस्ट, फाइन पेस्ट बनकर तैयार है। अब मैं इसे अपने फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ। तो आपको थिक पेस्ट यूज करना है फ्रेंड्स। तो देखिए इसे मैं अप्लाई करती हूँ, और इसे ना आप अपने नेक पे भी जरूर अप्लाई कीजिएगा। तो मैं तो नेक पे अभी नहीं करूंगी, लेकिन आप जब इसे यूज करेंगे तो नेक पे और फेस पे सब जगह करना है, और आप इसे अपने हैंड्स पे भी कर सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा बनाया कि मैं बाद में यूज नहीं करूंगी। बहुत लोग ना फ्रेंड्स इसमें लेमन भी यूज करते हैं, लेकिन प्लीज लेमन आप अपने फेस पे यूज मत कीजिएगा, उससे फेस और डार्क होता है और अच्छा नहीं है लेमन फेस के लिए। एक दो बार मैंने यूज किया था, लेकिन बहुत हार्श हो जाता है फेस पे, बहुत वो मेरे फेस पे रैशेस वगैरह हो गए थे और डार्क स्पॉट्स हो गए थे, बिल्कुल डल हो रहा था फेस। बहुत लोग यूज करते हैं, लेकिन लेमन हमारे फेस के लिए अच्छा नहीं है। हो सकता है वो थोड़ी देर के लिए आपको सही लगे, लेकिन वो फेस को और खराब कर देता है। तो देखिए ये पेस्ट मैंने लगा लिया फेस पर, अब इसे ड्राई होने देते हैं फेस पे, और ड्राई हो जाएगा तो हम इसे प्लेन वाटर से वॉश कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए ये ड्राई हो चुका है, इसे थोड़े से मैं हाथ से ऐसे ऐसे कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं इसे प्लेन वाटर से वॉश कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने फेस वॉश कर लिया, ये ड्राई हो गया था, और थोड़ा सा जब मेरा फेस ये हो जाएगा, सूख जाएगा, तो फिर मैं ये टोनर यूज करूंगी। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि टोनर कितना इम्पोर्टेंट है, कितना जरूरी है फेस के लिए। जब मैं टोनर नहीं यूज करती तो मेरा फेस बहुत ड्राई लगता है और डल लगता है, लेकिन मैं जब भी फेस वॉश करती हूँ, ये मेरे रूटीन में शामिल हो गया है, तो मैं टोनर फेस पे जरूर करती हूँ। ये क्यूकम्बर का ये मुंह में आता है तो कड़वा लगता है, आईज पे भी थोड़ा सा जलता है, तो इसलिए मैं आग बंद करके लगा लेती हूँ। तो यही था फेस पैक, आप हमेशा यूज किया कीजिए अगर घर की चीजें ये सब यूज करेंगी, केमिकल फ्री है, हमारे फेस को नुकसान भी नहीं पहुंचाएगी। तो अगर हम लोग रेगुलर यूज करेंगे तो जरूर फायदा होगा, और महीने में दो महीने में एक बार करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, हफ्ते में एक बार तो अपने फेस को करना चाहिए, क्लीन अप करना चाहिए, और पैक लगाना चाहिए, स्क्रबिंग करना चाहिए, ये तो बहुत ज़रूरी है, वरना हमारे फेस पे डस्ट पड़ते हैं तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो यही था फेस पैक जो मैंने आपसे शेयर किया है। तो अब मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे वीडियोज़ को लाइक भी कीजिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।